Vani Rani is a show about twin sisters, and I am playing Vani's husband. Okay. Vani's full name is Vani Agnihotri. Okay. And my name is Prakash Agnihotri. Mm-hmm. जो शो है ये दो बहनों की लाइफ के ऊपर है. Okay. और कमाल की बात है कि दोनों बहनें एक ही घर में रहती हैं. जी. और दोनों बहनों की अपनी फैमिली है, वानी की अपनी फैमिली है, रानी की अपनी फैमिली है. तो साथ में रहते हुए क्या क्या उतार चढ़ाव सब लोग देखते हैं. शो इज अबाउट दैट. और वानी का जो करेक्टर है वो बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन है. शी इज़ अ लॉयर. एंड जो रानी है वो घर में ही रहती हैं. शी इज़ अ हाउस वाइफ. शी हैंडल्स सारा घर. शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच इज़ ऑन द करेक्ट प्लेस. थोड़ा सा सक्सेस और फेलियर की वो है. बट एक ही घर में इस तरह का कंट्रास्ट होना वो इस शो का मसाला है. और जो मेरा किरदार है वो प्रकाश अग्निहोत्री, जो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. और कमाल की बात है कि बहुत सेल्फ मेड मैन है और बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है. और शादी के 25 साल होने के बाद जो मियाँ बीवी के बीच जो एक हल्की सी जो एक खटास कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि इससे ज़्यादा है भी कुछ नहीं, हल्का सा ही है. बट वो एक सक्सेस का एक ईगो है. मेरा अपना ईगो है विच इज़ कॉल्ड मैन ईगो. एंड शी इज़ अ वेरी वुमन ऑफ अ सब्सटेंस एंड शी इज़ अ सक्सेसफुल वुमन. एंड उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है. बीइंग ए मैन, कई बार मैं ऐसे डिसीजंस लेता हूँ जो उनको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ माई वाइफ, तो शी शुड बिहेव लाइक ए वाइफ. बट नो, शी इज़ ए इंडिपेंडेंट वुमन टू. शी इज़ ए सक्सेसफुल वुमन टू. तो एक बहुत मज़ेदार ड्रामा है. एक इंटेंस रिलेशनशिप है और उस इंटेंस रिलेशनशिप में बच्चे हैं. बच्चों पर क्या असर पड़ता है इस पूरे हल्की सी खटास का, बहुत ही मज़ा आ रहा है तन्वी आज़मी के साथ काम करके. मतलब शी इज़ लाइक, मतलब वर्किंग विद हर इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू, यू नो. बिकॉज मुझे इतने साल हो गए मुंबई में, मैं आज तक कभी तन्वी आज़मी को मिला नहीं था, लेकिन उनका इतना काम देखा है और मैं हमेशा से चाह रहा था कि उनके साथ काम करूँ. और मैं आई एम सो थैंकफुल टू GlitzVision एंड द क्रिएटिव टीम ऑफ द शो, यू नो, मोनिका एंड सृष्टि एंड other people, they could see me in Vani's husband as Vani's husband. क्योंकि यार एक्टर तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मौका देने वाले बहुत कम मिलते हैं. सो आई एम सो थैंकफुल टू GlitzVision. एंड आप प्लीज़ ये शो ज़रूर देखिएगा. और दिस शो इज फुल ऑफ इमोशंस एंड फुल ऑफ इमोशनल ग्रिप. मतलब इसमें फॉर मी, अगर मैं अपनी बात करूँ, संजय गांधी की बात करूं, तो मैं इस शो को बहुत सीरियसली ले रहा हूं. और मेरे लिए जब मैं घर से निकलता हूं इस शो की शूटिंग करने के लिए, तो मैं ये सोच के निकलता हूं कि यार आज भी मेरा ऑडिशन है. बिकॉज फ्रंट ऑफ तन्वी आज़मी आई जस्ट डोंट वांट टू मेक एनी सिंगल मिस्टेक. बिकॉज फॉर मी शी इज़ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. एंड बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके. एंड शी इज़ वेरी गिविंग. मतलब शुरू में इतना आई वॉज नॉट ओपनिंग अप बिकॉज मैं जानता नहीं था उनको और वो मुझे नहीं जानती थी. लेकिन ऑफकोर्स एक दूसरे के काम से हम एक दूसरे को जानते हैं. तो वो एक कम्फर्ट जोन था, बस उतना ही था. लेकिन उसके बाद आज हम टच वुड वी आर रियली डूइंग वेल. एंड बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके. आई एम लर्निंग सो मच. और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वर्किंग विद तन्वी इज़ लाइक फोकस होके काम करना,
काम के दौरान कोई मस्ती नहीं, कोई गॉसिपिंग नहीं, आई एम सो हैप्पी द होल एंटायर एटमॉस्फेयर ऑन द सेट एंड आवर डायरेक्टर वाज राजेश रण सिंगे एंड मोहित झा आर सो शार्प, दे आर सो फोकस्ड ऑल्सो टच वुड एवरी वी आर ऑल प्रेइंग दैट आप प्लीज़ ये शो ज़रूर देखिएगा एंड ये एन टी वी पे शाम को 7 बजे आएगा, मंडे टू फ्राइडे 7 तारीख से 7 अगस्त से, और बहुत मज़ा आएगा आपको ये शो देखकर। इस शो को अगर सक्सेसफुल कोई चीज़ बनाएगी तो वो है इस शो की इमोशनल ग्रिप, क्योंकि द शो हैज़ रिटन सो वेल, राइटर्स ऑफ द शो रियली वर्किंग हार्ड फॉर द शो, और जिस तरह के सीन्स आते हैं लिखकर, मतलब मेकअप रूम में बैठकर हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है ये सोचकर कि यार कमाल का सीन आया है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और हम सब एक्टर्स के लिए मतलब वो उतना ही चैलेंजिंग है जितना मेरे लिए है, जितना तन्वी के लिए है, जितना इकबाल के लिए है जो रानी का हस्बैंड बना है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फाइन एक्टर एंड आई नो हिम सिंस थिएटर डेज, एंड बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों की कास्टिंग बहुत करेक्ट है, और मेरा रिलेशन मेरी बेटी के साथ, काव्या नाम है बेटी का, करेक्टर का नाम काव्या है और ऋचा गुप्ता उसका रियल नाम है, और उसका और मेरा जो एक रिलेशनशिप है, शी इज़ लाइक माई प्रिंसेस, आई लाइक यू नो, बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप है, तो हमारे कुछ सीन्स हुए हैं जो बहुत ही अच्छे हुए हैं, और शी इज़ ऑल्सो वेरी फाइन एक्ट्रेस, मतलब बींग सच ए इन यंग एज इतना शी इज़ सो कॉन्फिडेंट एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार ये नए जनरेशन से, यू कांट टेक देम लाइटली, प्लीज़ डोंट टेक देम लाइटली, दे आर रॉकिंग, दे आर रियली हार्ड वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस देम। मेरा मैसेज सिर्फ आप ऑडियंस से यही है कि इस शो को आप ज़रूर देखें, और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने पहला एपिसोड देखा या कोई भी एपिसोड देखा, किसी भी एपिसोड से आपने इसकी शुरुआत की देखने की, आई एम श्योर आप इसको दोबारा देखेंगे, एपिसोड उसका अगला एपिसोड देखेंगे, यू वुड लव टू बी पार्ट ऑफ द स्टोरी, यू वुड लव टू ज्वाइन द स्टोरी, बिकॉज इट इज़ इट्स हैपनिंग इन एवरी फैमिली, हर फैमिली में, हर रिलेशनशिप में जो एक इमोशनल ग्रिप होती है और जो एक एका होता है, और जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, फेलियर सक्सेस, इट्स ऑल आउट देयर, इट्स अ फुल ऑफ मसाला, आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपको एक भी ऐसी, मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी ऐसी कोई चीज़ शो में दिखेगी जिससे आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये तो इट्स वेरी चीप, इट्स नॉट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सोसाइटी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द लाइफ, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, एंड प्लीज़ वॉच आवर शो वाणी रानी एन टी वी फ्रॉम 7th of August, 7 PM, Monday to Friday. Thank you. Love so you much. So much. And all the